हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू इंदौरी मोटरोइड्स। आज का हमारा जो वीडियो है वो होने वाला है कंप्लीट रिव्यू KTM RC125 BS6 के नए मॉडल के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आपको इसके सारे स्पेसिफिकेशन वगैरह बताऊंगा, क्या चेंजेस वगैरह कुछ आए हैं तो वो बताऊंगा, और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा बाइक के बारे में, प्राइसिंग माइलेज वगैरह कंप्लीट आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा बाइक का। मगर उससे पहले तो ये तो हो गई मजाक वाली बात, पर सीरियसली अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, पहली बार आ रहे हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, और अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए। और अब आप एक कंप्लीट ओवरव्यू और वॉक अराउंड देख लीजिए इस बाइक का, नए कलर का। मैं इसको चारों साइड से दिखा देता हूँ आपको, तो एक कंप्लीट ओवरव्यू आपको मिल जाएगा उसमें। इसमें जो नए इसमें ग्राफिक्स वगैरह का यूज़ करा गया है, पेंट स्कीम का, वो काफ़ी अट्रैक्टिव बनाया गया है। काफ़ी पंची कलर्स का यूज़ करा गया ताकि ये यूथ को काफ़ी अट्रैक्टिंग लगे, अट्रैक्ट करे ये यूथ को काफ़ी। और शार्प डिज़ाइन तो इसका स्टार्टिंग से फर्स्ट जनरेशन से ही रहा है, तो एक लुक तो इसका कम्प्लीट बन ही जाता है बहुत ही अच्छा। लुक्स वगैरह के मामले में सेगमेंट में लीडिंग गाड़ी है, इतनी अच्छी गाड़ी इस सेगमेंट में कोई सी भी नहीं दिखती। इनफैक्ट ये R15 से भी काफ़ी हद तक अच्छी दिखती है। परफॉर्मेंस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ विजुअल अपील की बात कर रहा हूँ। KTM ने RC390 और RC200 में भी नई कलर स्कीम्स में लॉन्च करा गया है, उनके भी वीडियो आपको चैनल पर बहुत जल्द देखने को मिलेंगे, तो उसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें। तो ये था एक कम्प्लीट वॉक अराउंड गाड़ी का। अब मैं आपको इसको डिटेल में एक एक चीज़ समझा देता हूँ। जैसे अगर स्टार्टिंग से स्टार्ट करें फ्रंट से, तो यहाँ पर हमें एक बहुत ही क्लियर वॉइजर देखने को मिल जाता है जो कि एरोडायनेमिक के लिए काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पर वाइड ओपन में हमें मिरर मिलते हैं बहुत ही अच्छे हैं, और यहाँ पर हमें इसमें इंडिकेटर प्लेसमेंट भी यही मिल जाता है जैसा कि आप देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा लगता है जब मिरर्स पे इंडिकेटर जलते हैं, तो काफ़ी एक यूनिक सा लुक आता है, और काफ़ी हाइट पे भी दिखते हैं ये, और बहुत ही प्यारे लगते हैं इंडिकेटर जलते समय। और वहीं अगर नीचे की बात करें तो यहाँ पे हमें नंबर प्लेट माउंट करने की जगह मिल जाती है, और इसमें हमें वाइट कलर की पार्किंग लाइट्स देखने को मिलती है जो कि काफ़ी बढ़िया शेप में है। और इसकी जो हेडलैम्प्स और पार्किंग लाइट का कॉम्बिनेशन है, ये इस बाइक को काफ़ी एक एग्रेसिव लुक प्रोवाइड करता है, काफ़ी एक स्पोर्टी लुक प्रोवाइड करता है इसको। मतलब बाइक का एक कंप्लीट डेविल टाइप का थोड़ा सा लुक आता है इसमें, क्योंकि ये नीचे की वाइट कलर में है, और इसमें हमें ट्विन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने को मिल जाते हैं जिनका नाइट में थ्रो काफ़ी ही बेहतरीन है, और ये हाई बीम पर और लो बीम पर अलग अलग जलते हैं। मतलब एक साइड का हाई बीम का है, एक साइड का लो बीम का है, पहले दोनों साथ में जला करते थे, पर अभी कुछ कारणों की वजह से इन्हें सेपरेट कर दिया गया है। अब अगर बात करें इसके फ्रंट मडगार्ड की, तो काफ़ी छोटा सा हमें मडगार्ड देखने को मिलता है, इसमें हमें नया स्टिकरिंग का वर्क देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें WP के एपेक्स सस्पेंशन देखने को मिलता है जिसका 43 mm का साइज़ है, और अपसाइड डाउन सस्पेंशन है, और यहाँ पर नया रिफ्लेक्टर देखने को मिलता है। बाइब्रेक के ब्रेक्स मिल रहे हैं हमें इसमें। 300 mm का हमें फ्रंट डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है विद सिंगल चैनल ABS, जैसा कि आप देख सकते हैं ABS की रिंग है, और ऑरेंज कलर के इसमें हमें अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं। और अगर बात करें टायर साइज़ की, तो इसका टायर साइज़ है 110 सेक्शन का, 110/70 R17 inch के फ्रंट में हमें टायर देखने को मिलते हैं जो काफ़ी एक चौड़ा और काफ़ी अच्छी ग्रिप प्रोवाइड कर देते हैं। अब अगर बात करें इसके टैंक की, तो टैंक पे काफ़ी अच्छा पेंट यूज़ करा गया है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, बहुत ही ग्लॉसी है, फिनिशिंग बहुत ही अच्छी लग रही है इसकी। और ब्लैक कलर का इसमें हमें फ्यूल कैप देखता है, और यहाँ पे अगर देखें तो KTM RC की ब्रांडिंग की गई है टैंक पे, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है। डिटेलिंग पे ध्यान दिया गया है कंपनी ने, बहुत ही अच्छा लगता है इसे देखकर। बाइक पे स्टिकर वर्क भी काफ़ी अच्छा करा गया है, यहाँ पे RC देखने को मिलता है ऑरेंज कलर में, और यहाँ पे रेस कंपटीशन ऊपर लिखा हुआ है। नीचे KTM की भी ब्रांडिंग है रेडी टू रेस, और नीचे यहाँ पे ब्लैक पोर्शन में दिया है, पहले पीछे तक एक्सटेंड होता था पर आजकल फेयरिंग यहीं तक ख़त्म हो जाती है। इस बाइक में हमें ब्लैक कलर का स्टील ट्रेलिस फ्रेम देखने को मिलता है जो कि बाइक को गजब की स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। और बात करें रियर सस्पेंशन की, तो इसमें हमें मोनोशॉक एब्जॉर्बर मिलता है जो कि एडजस्टेबल है, और इंजन पे भी रेसिंग KTM की ब्रांडिंग की गई है। और अगर बात करें गियर लीवर और फुटपैक्स वगैरह की, तो इनकी भी क्वालिटी को बहुत अच्छा रखा गया है कंपनी ने। इसमें हमें डाईकास्ट एल्यूमिनियम का स्विंग आर्म देखने को मिलता है जो कि बाइक को एक काफ़ी अलग स्टेबिलिटी और हैंडलिंग प्रोवाइड करता है। और वहीं अगर बात करें इसमें इस साइड, तो यहाँ पे हमें साइड गार्ड देखने को मिल जाते हैं इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। और चेन की बात करें तो ओपन चेन सिस्टम हमें इसमें देखने को मिलता है, मतलब हर 400-500 किलोमीटर पर हमें इसे वॉश करानी है। साइड स्टैंड ही मिलता है इसमें, मेन स्टैंड का ऑप्शन भी नहीं मिलता है। तो अगर बाइक के इंजन के बारे में बात करें, तो इसमें 124.7 cc सिंगल सिलेंडर 4-volt लिक्विड कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड DOHC इंजन मिलता है, जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 14.5 PS की 9250 RPM पे, और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 12 Nm का 8000 RPM पे।
अब अगर बात करें इसकी सीटिंग की, तो सीटिंग थोड़ी सी हार्ड साइड पर रखी गई, जैसा कि स्पोर्ट्स बाइक की होनी चाहिए, तो उस हिसाब से बहुत सही परफेक्ट सीटिंग है। और पीछे की सीट इसकी काउल जैसी दिखती है, लगता ही नहीं कि पीछे सीट है। तो अब अगर बात करें बाइक के रियर प्रोफाइल के बारे में, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं RC125 की बैजिंग है, और यहीं पे हमें ग्रैब रेल्स देखने को मिल जाती है, काफ़ी शार्प डिज़ाइन है। और अगर रियर लाइट की बात करें तो कुछ इस तरीके से बहुत ही प्यारी दिखती है, फुल LED लाइट है इसमें, और ये मतलब बेस्ट इन सेगमेंट लगती है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसका जो लुक है वो बहुत ही अलग है और यूनिक है। और अगर इस साइड से बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ब्रेक लीवर और फुट गियर वगैरह की भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी रखी गई है, और इस साइड से भी आप मोनोशॉक एब्जॉर्वर को देख लीजिए। और यहाँ पे अगर बात करें रियर टायर की, तो यहाँ पे हमें 230 mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है, और RLP भी दिख जाता है हमें इसमें, पीछे ऑरेंज कलर के अलॉयज मिलते हैं हमें। और अगर इनके साइज़ की बात करें तो MRF के रेव्स टायर मिलते हैं, और 150 सेक्शन के टायर मिलते हैं हमें इसमें रियर में। ये टायर जो है ये हमें काफ़ी अच्छी ग्रिप प्रोवाइड कर देते हैं। और यहाँ पे अगर बात करें इंडिकेटर्स की, तो हमें LED इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं, जो कि लुक को काफ़ी इन्हेंस कर देते हैं। और यहाँ पे हमें नंबर प्लेट के ऊपर वाइट कलर की लाइट देखने को मिलती है, यहाँ पे नंबर प्लेट माउंट करने की जगह। और यहाँ पे पीछे टायर अगर जिस पर KTM की ब्रांडिंग भी की गई है। तो अब अगर बात करें बाइक के हैंडल बार और डिजिटल मीटर के बारे में, तो कुछ इस तरीके से इसका लुक है, क्लिप ऑन हैंडल बार्स हमें इसमें देखने को मिलते हैं, और इनकी क्वालिटी वगैरह बहुत ही अच्छी रखी गई है। डिजिटल मीटर हमें इसमें मिलता है, इसमें काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, टेकोमीटर, काफ़ी सारी टिल्टेड लाइट्स, और किल स्विच वगैरह का वार्निंग बता देता है, एवरेज वगैरह बता देता है। दो बटन हमें इसमें देखने को मिलते हैं, मोड और सेट का बटन, और ऊपर की साइड और राइट हैंड की साइड हमें इसमें टिल्टेड लाइट्स मिल जाती है, जो कि हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती है। और 20 ट्रिप मीटर्स वगैरह, ABS वगैरह का इन्फॉर्मेशन हमें इसमें मिल जाता है डिजिटल मीटर में। और वहीं बात करें अगर क्लच फील के बारे में, तो क्लच फील भी काफ़ी लाइट रखा गया है, यहाँ पे हमें पास का स्विच देखने को मिलता है, और इसमें हमें बैकलिट स्विचेस देखने को मिलते हैं, यहाँ पे हमें हाई बीम, लो बीम, उसके नीचे इंडिकेटर का स्विच, और उसी के थोड़ा नीचे हॉर्न का स्विच। और वहीं बात करें दूसरी साइड की, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें क्लिप ऑन हैंडल्स बार देखने को मिलते हैं, और दूसरी साइड देखें तो यहाँ पे हमें किल स्विच देखने को मिल जाता है। और जैसा कि मैंने बताया बैकलिट स्विचेस है इसमें, वाइट स्विचेस है, वाइट लाइट जलती है, और ब्रेक लीवर वगैरह की भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी रखी गई है KTM ने। तो आइए दोस्तों, फटाफट से मैं आपको इस बाइक का एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ, काफ़ी बढ़िया एग्जॉस्ट नोट है इस बाइक का। अब अगर बात करें बाइक की फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो इसमें हमें 9.5 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है, और बाइक के माइलेज की बात करें तो अप्रोक्स 40-45 का हमें मिल जाएगा। और वहीं अगर बात करें इसके डायमेंशंस के बारे में, तो बाइक की लेंथ है 1977 mm, सैडल हाइट है 835 mm, और ग्राउंड क्लियरेंस है 178.5 mm। वहीं पर बाइक का व्हील बेस है 1341 mm का। तो दोस्तों, अब अगर बात करें बाइक की प्राइसिंग के बारे में, तो बाइक की प्राइसिंग है 1.59 लाख एक्स शोरूम इंदौर। और इसी के साथ ही वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करके जाएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से जल्दी, हमारी 50,000 सब्सक्राइबर की फैमिली कंप्लीट होने वाली है। तो इसी के साथ, अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कर देना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा। और अगर आपको KTM की कोई सी भी बाइक लेनी है, तो KTM खजराना पे आप विज़िट करिए, अपनी टेस्ट राइड बुक करिए, बहुत ही अच्छा स्टाफ है वहाँ का, और मतलब बिल्कुल आपको सपोर्ट करेंगे, आपको जो सी बाइक लेनी है उसमें पूरा कम्प्लीट गाइडेंस देंगे आपको।